मुलाकात हुई है. सो आई एम सो हैप्पी टू बी अमंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन. और फॉर अ चेंज मैंने ये सोच रखा है कि नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नो स्टैटिस्टिक्स, नो फिगर्स, नो इकोनॉमिक्स. एंड आई विल बी जो दिल से दिल की बात कहते हैं ना भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ आपके साथ में. सो दैट वी रियली टॉक हाउ टू गेट ओवर, गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस. इसमें से हम अच्छा क्या ले सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं. आई विल बी टॉकिंग ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दिस ट्रबल टाइम्स. और बात करेंगे कि हमें क्या सीख लेनी है, क्या क्या करना है, किस तरीके से हम बाहर निकलेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. इन चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे. तो सबसे पहली बात तो ये कि लाइफ हैज गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ गियर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. और इंडिया का जो लॉकडाउन है, 133 करोड़ लोग एक साथ दो महीने से भी ज्यादा वक्त के लिए यदि बंद कर दिए जाए, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है. पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ है. चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, वहां पे भी इतना बड़ा लॉकडाउन इतने वक्त के लिए इतने सारे लोगों का एक साथ नहीं हुआ है. सो दिस इज हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड, कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ है. इकोनॉमी का असर होना तो लाजमी है, होना ही था. पर सवाल उस समय यह था कि जान बचानी है या इकोनॉमी बचानी है. तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी उस समय हो जाती कि जान बचानी है. उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसके बुरे परिणाम होते हैं. हमारे इकोनॉमी रिसेशन में है. जब मैं रिसेशन कहता हूं तो एक्चुअली ये जिसे हम यूफेमिज्म कहते हैं ना, यूफेमिज्म है. रिसेशन इज नॉट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम. पूरा सिस्टम पूरी तरह से ध्वंस हो गया है, खत्म हो गया है, बचा ही नहीं है. तो हमारे पास में हमारे इकोनॉमी का यदि हम आंकड़ा लेकर देखें तो 30-35 हज़ार करोड़ रुपए की रोज डेली इकोनॉमी है. तो यू कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 50, 60, 70, कितना तो मुझे मालूम ही नहीं अभी तक कितने से मल्टीप्लाई करना होगा. सो यू कैन टू दैट एक्सटेंट वी हैव लॉस्ट आवर इकोनॉमी. सो बहुत लोगों का नुकसान है, सबका नुकसान है. बहुत लोग बाहर निकल पाने का चैलेंज है सबके पास में. और ये इतिहास में हमारे जिंदा रहने वाले इतिहास में पहली बार हुआ है. 1930 का रिसेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, यू नो, इकोनॉमिक्स की बुक की किताबों में हम पढ़ते हैं. और ये कहा जाता है कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स उस समय काम नहीं करता था. देयर वाज नो लाइक आज का जो इकोनॉमिक्स है, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक्स है, जो कि काफी डेप्थ है जिसमें, वो इस मौके पर काम करने लायक नहीं है. बिकॉज द इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिसरप्टेड, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. सो इस सिचुएशन में हमें कन्वेंशनल इकोनॉमिक से बाहर निकल के सोचना होगा. और दूसरी बात यह है कि हम इस सुरंग के अंदर, इस टनल के अंदर घुस तो गए हैं और कितने दिन तक रहेंगे ये हमें मालूम नहीं है. इसलिए आज जब हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा, तो पोस्ट लॉकडाउन इज समथिंग दैट वी डोंट इवन नो हम कब बाहर निकल पाएंगे. क्योंकि शायद जैसे कहा जा रहा है कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा बहुत समय के लिए, और हमको जीना ही होगा. बिकॉज क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं होती, तब तक के लिए बहुत ज्यादा होप्स नहीं है कि हम आजादी से घूम सकेंगे. तो हमें बहुत समय के लिए, जब तक 100% श्योर एंड सेफ वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, या जब तक हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, पूरी सोसाइटी इम्यून नहीं हो जाती इससे, जो विदाउट वैक्सीन बहुत बहुत वक्त लगने की बात है. एक इन्फेक्टेड पेशेंट पूरे शहर को या कस्बे को या गांव को इन्फेक्ट कर सकता है. तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, हर्ड इम्यूनिटी लॉकडाउन से तो नहीं होगी, लॉकडाउन खुलने के बाद होगी. और लॉकडाउन खुलने के बाद हर्ड इम्यूनिटी का वेट करने तक बहुत सारी जाने जा चुकी होंगी, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी होगी. इसलिए हमारे पास एक ही पर्याय बचता है, वैक्सीनेशन. वैक्सीन जब बनेगी, आएगी, तब जाके बात होगी. मैं जब ये बात कर रहा हूँ आपसे कि हम इसमें घुस तो गए हैं, बाहर निकलना मुझे मालूम नहीं, मैं विलियम शेक्सपियर को यहाँ पे कोट करना चाहता, जूलियस सीजर. चूंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो एक आइडियस ऑफ मार्च की बात मुझे याद आ रही थी. जूलियस सीजर में सीजर को एक फॉर्च्यून टेलर ने, एक सीयर ने कहा था कि उनकी मौत जो है आइडियस ऑफ मार्च में हो जाएगी. आइडियस ऑफ मार्च को अगर हम ट्रांसलेट करें आज के रोमन कैलेंडर को, आज के प्रेजेंट कैलेंडर में, तो आइडियस मार्च इज 15th of March. तो उन्होंने कहा था कि 15th of March को जूलियस सीजर की मौत हो जाएगी. 15th of March आया, जूलियस सीजर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे आइडियस ऑफ मार्च हैज कम एंड आई एम स्टिल लिविंग. तो उन फॉर्च्यून टेलर ने कहा, ए सीजर, इट हैज कम,
बट नॉट गॉन. आ तो गया है लेकिन गया नहीं है. डोंट काउंट इट बिफोर इट इज डन. और उस दिन उनका जो एक परम मित्र थे ब्रूटस, ब्रूटस ने आके सीजर को मार दिया. और एक बहुत फेमस लाइन है इसमें से, एट टू ब्रूटो यू इवन यू ब्रूटस, हैरान होकर सीजर ने कहा था. और आइडियस ऑफ मार्च खत्म होने के पहले ही उन्हें मार दिया गया था. सो वी आर इन टू आइडियस ऑफ मार्च. 15 मार्च के आसपास ही हम इस बीमारी के बीच में पहुंचे हैं. आइडियस ऑफ मार्च के बीच में है. खत्म कब होगा? जब तक नहीं होगा तब तक हमें मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है. तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद द प्रेजेंट टाइम्स. और जब मैं कहता हूँ कि लर्न टू लिव विद द प्रेजेंट टाइम्स, तो इसके दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं. पहला ऑप्शन है कि हम उम्मीद करें कि सरकार बहुत सारा रिलीफ देगी, स्टिमुलस देगी और हमको इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, जो कि आज की सिचुएशन में संभव नहीं है. हमें समझ में आ रहा है कि संभव नहीं. गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज इनसफिशिएंट है. अगर सफिशिएंट कितना भी बढ़ जाता तो भी हम कहते हैं कि इनसफिशिएंट है. उसका मैं कारण आपको समझाना चाहूंगा. तो मैं पहले ये बात कर लूँ, दो ऑल्टरनेटिव की बात कर लूँ, उसके बाद रिलीफ पैकेज पे आता हूँ. तो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, टेक द बुल बाय द हॉर्न. आओ फेस करो और सोचो इसमें से कैसे बाहर निकलना है, या इस विपदा में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, या इसका हम कैसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी. तो ये दो पर्याय हमारे पास में है. सो आई थिंक हमें जिंदा रहना है, हमारे व्यापार को जिंदा रखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना है. तो हमको ये सोचना होगा कि बजाय इसके कि कोई आके मुझे बाहर से मदद करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ. हिंदुस्तान के लोग बहुत बहुत जुगाड़ू हैं और बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है. आत्मनिर्भर शब्द आजकल बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में. हम असल में बहुत आत्मनिर्भर हैं हमेशा से. हमें पता है हम पर विपदाएं हमेशा आती रही हैं और हमें पता है उन विपदाओं से कैसे बाहर निकला जाता है. तो हम सक्षम हैं और हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है. हम इसमें से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं. हमने बहुत बहुत विपदाएं झेली हैं हमारे देश में, तो हम बाहर निकलने की पूरी ताकत रखते हैं. और वही बेहतर होगा कि हम इस मौके पर, इस घड़ी पे अपनी जो बेसिक स्किल है क्राइसिस को हैंडल करने की, उसमें से हम बाहर निकल उसको उसका इस्तेमाल करें और बाहर निकल जाएं. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है. तो जब हम ठान लें कि हमारी जीत होनी है, तो फिर हम गवर्नमेंट के इंसेंटिव के लिए, या हमें कोई स्टिमुलस देगा या हमें कोई रिलीफ देगा, उसकी परवाह किए बगैर हम अगर अपने काम पर लग जाएं और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सोचने लगे, इनोवेशन के बारे में सोचने लगे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में सोचने लगे जो हमें अपने हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकता है, तो आई थिंक वो बेहतर होगा. अब मैं बात करना चाहूंगा स्टिमुलस पैकेज की. तो स्टिमुलस पैकेज के बारे में बहुत बहुत बातें होती रही हैं. जैसे मैंने कहा, कितना भी मिल जाएगा वो सफिशियंट होने वाला नहीं है. ये बात तो पक्की है, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि बहुत बहुत इट्स लाइक द लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 15 लाख करोड़ रुपीज. बहुत बड़ी कैलामिटी है और बहुत मेजर उसका हमें लॉस हुआ है. तो इसलिए जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसी एक सेगमेंट को स्टिमुलस देती है या रिलीफ पैकेज देती है, मैं छोटा सा इकोनॉमिक्स यहाँ बगैर टेक्निकल टर्म्स के समझाना चाह रहा हूँ, जब भी स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, मान लीजिए नीचे का तबका, जो जिनके पास जो माइग्रेंट लेबर है जो घर जा रहे हैं, या गांव के रहने वाले भूखे जिनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, जब उनके लिए स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, उनके अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाते हैं या उनको अनाज मुफ्त दिया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन. जो पैसा हमारे पिरामिड में ऐसे चैनल के थ्रू नीचे उतरने वाला था, परकुलेट होने वाला था नीचे 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 नीचे, और उसके इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली थी, बजाय परकुलेट होने के डायरेक्टली वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को दे दिया गया, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो और कम हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डायरेक्टली पैसा पहुंचा दिया गया, क्योंकि उनको उसकी जरूरत है उस वक्त पे, इसलिए वो जरूरी भी है. भूखे अगर देश के 40% लोग भूखे मर जाएं, भूख से मर जाएं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो सबसे पहले उनको पैसा देने की जरूरत पड़ी, पैसा दे दिया उनको. लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, जो पैसा शायद आपके हाथ से गुजर कर उनके हाथ तक पहुंचने वाला था, वो सीधा सरकार के हाथ से उनके हाथ में पहुंच गया. तो जितने हाथों में ये पैसा आने वाला था, उतने हाथों में वैल्यू एडिशन होने वाला था, उनके हाथों में कुछ ना कुछ इस पैसे में से उनके पास आने वाला था.
ये नहीं आया, सीधा उनके पास चले गया। तो जब भी स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को, दूसरे सेगमेंट जिनको उसकी जरूरत है उनका नुकसान होगा, ये लाजमी है, ये होना ही है। और स्टिमुलस हर किसी को तो दिया नहीं जा सकता। तो ये मान के चलिए कि मिडिल क्लास या हम लोग जो आज हम ये सब सुन रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी द वर्स्ट अफेक्टेड इन दिस क्राइसिस। अब ऊपर की क्लास को तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनकी वेल्थ का जो फॉल है वो सिर्फ एकेडमिक है। 5% गिर गया, 20% गिर गया, 40% गिर गया तो भी बहुत ज्यादा, 10% ऑफ द रिच पीपल होल्ड अबाउट 70% ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। बीच वाले जो हैं उनकी वेल्थ गिरने का फर्क तो बहुत ज्यादा उनको पड़ता है, लेकिन निचला तबका जिन्हें खाने की जरूरत है, जो भूख से मर रहे हैं, उनको देना सबसे पहला जरूरी हो गया, तो उनको दे दिया गया। बीच के तबके को यदि नहीं मिलेगा तो परेशानी तो बढ़ेगी, और हम उसी तबके की बात आज कर रहे हैं। वी आर एड्रेसिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस। जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम और आप उसी को बिलोंग करते हैं। कोई उस पिरामिड के मध्य भाग के ऊपर में होगा, कोई नीचे होगा, कोई बीच में होगा, लेकिन हम उस मध्य भाग के लोग हैं सभी। तो हमको सबको रिलीफ मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। हमें रिलीज जो मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन पोस्टपोन कर दिया गया है, या ईएमआई पोस्टपोन कर दिया गया है, या बिजनेस लोन्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दिया गया, या लोन का वेवर हो जाएगा, कुछ इस किस्म के रिलीफ होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने वाले। उन रिलीफ से हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग डेवलप नहीं होती। हमें आगे क्या करना है, हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, उसके बारे में थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो ये पुनर्विभाजन जो हो रहा है, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इसका परिणाम क्या होगा, मैं छोटा सा इकोनॉमिक्स अगेन आपके सामने रखना चाहूंगा नॉन टेक्निकल टर्म्स में। फिर से इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जब भी ये कैपिटलिस्टिक मॉडल, जो हम पूंजीवादी मॉडल को अपनाए हुए हैं हम लोगों ने, हमारे देश ने और विश्व के करीब करीब सभी देशों ने, उसमें एक उसका एक मूलभूत सिद्धांत है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, या जिसे कहेंगे हम सर्जनात्मक विनाश। तो विनाश होते रहता है और सर्जना होती रहती है, नई चीजें सृजन होती है, नई चीजें बनती है, पुरानी चीजें टूटती है। डिस्ट्रक्शन होता है, क्रिएशन होता है। दिस इज हाउ वी मार्च फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। पुराने बिजनेसेस कई बार या तो इनोवेट कर अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपना फॉर्म चेंज करके अपने आप को जिंदा रखते हैं इन अ कैपिटलिस्टिक मॉडल, या फिर वो खत्म हो जाते हैं, वो पिस जाते हैं उस साइकिल में। जब आपने देखा होगा, जब इंटरनेट आया तो कई बिजनेसेस खत्म हो गए, जब ऑनलाइन शॉपिंग आई तो कई बिजनेसेस पे इफेक्ट आना चालू हुआ। तो उसमें पर्याय ये होता है कि आप उसके साथ चलें, आप उसके साथ अपने आप को मॉडिफाई करें, या फिर आप उसमें से पिस जाएं, आप बाहर निकल जाएं, आप उसमें सर्वाइव ना कर सकें, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काइंड सिचुएशन आ जाती है। दिस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज अ रेगुलर प्रोसेस, रोज होता है, दिन पर दिन हो रहा है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, लेकिन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बहुत अधिक मात्रा में उस वक्त होता है जब कोई विपदा आती है, जब कोई क्राइसिस आती है, और ये क्राइसिस तो इतनी बड़ी क्राइसिस है, आई कैन सी अ ह्यूज सब्सटैंशियल मैसिव अमाउंट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टेकिंग प्लेस, जिसका अर्थ ये होगा कि बहुत सारे लोग बेचारे जो कई कई पीढ़ियों से किसी काम के ऊपर में निर्भर थे, शायद उस काम करने का तरीका बदल जाएगा उसको। वो यदि वो उसके साथ इनोवेट नहीं होंगे, यदि उसके साथ सिंक नहीं होंगे, न्यू नॉर्मल के साथ अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो शायद वो भी उसमें फिस जाएंगे। तो ये जब भी ऐसी विपदाएं आती है, तो सबसे पहली सोच हमें ये होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जिंदा रखें, हम समय के साथ कैसे चलें, हम इस विपदा से बाहर निकलने की ताकत कैसे रखें, हम अपने आप को बचा कर कैसे रखें। ये रिसेशन नहीं है जिसमें आपकी आर्थिक मंदी आ गई है, ये एक सिचुएशन है जिसमें आपको अपना सिर पानी से ऊपर रखना है। हमें सोचना है कि हमें जिंदा कैसे रहना है, हमारे व्यापार को जिंदा कैसे रखना है। तो दिस इज दैट टाइम जिस समय हमें अपने आप को जिंदा रखने के तरीके सोचने हैं। हमें यही सोचना है कि इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस में जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, उनमें हम ना आ जाए कहीं पे। तो हमें तो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी ऑल हैव टू फेस इन दिस सिचुएशन, और इस कैलामिटी से बाहर निकलने के बारे में हमको सोचना होगा। और इतिहास गवाह है, जब भी इस किस्म की विपदाएं आई हैं, क्राइसिस आई हैं, जिन देशों ने और जिन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं इसको सर्वाइव करने के लिए, वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं। वो दे हैव मेड अ बिग लीप आउट ऑफ दिस। जब ये विपदा खत्म होती है,
यूएस का 1920s 30s के जो जिनको बेबी ब्लूमर्स कहते हैं वो आज अमेरिका की सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास में है. वॉरेन बफेट और जो जो जनरेशन उस वक्त की थी जो उस क्राइसिस के पीरियड में पैदा हुए थे या उसमें से बाहर उस समय वो उन्होंने फेस की थी वो आज अमेरिका के सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल्स हैं. सो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर अस टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं कि उस वक्त के सभी लोग बहुत रईस हो गए. उस वक्त आज जो लोग हैं रईस उनमें से मैक्सिमम लोग उस वक्त के हैं लेकिन उस वक्त के कई लोग खत्म भी हो गए थे उस प्रोसेस में. सो हमें उस तरीके से सोचना होगा कि इस विपदा से बाहर निकलें, अच्छे से निकलें, सर्वाइव करें, बचे रहें, पानी सर से ऊपर रखें ताकि जब हम बाहर निकलें और जब हम आगे मौके मिलें तो उस अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर सके. आई थिंक ये सबसे बड़ा होगा. अब जो जो न्यू नॉर्मल की बात बार बार की जा रही है कि काम करने का तरीका बदल जा रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही है. ड्यूरिंग द पैंडेमिक तो बदल ही रहा है लेकिन इसके बाद में जब तक इस वायरस का असर होगा उस वक्त तक बहुत सारी चीजें बदली हुई होगी. शायद कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमेशा के लिए हमारे लिए बदल जाएगी. तो हमें जिसको न्यू नॉर्मल का पार्ट कहा जा रहा है हमें हमेशा के लिए उन चीजों के बारे में बदलाव होगा. जैसे हेल्थ केयर का एग्जाम्पल मैं दो तीन एग्जाम्पल लिए चल रहा हूँ. इनमें से हो सकता है कुछ आप लोगों से डायरेक्टली किसी से कनेक्ट हो जाए लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसका इफेक्ट हर किसी को होता है तो आई थिंक सबको समझ सकते हैं इसके बारे में. तो हेल्थ केयर का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ. हेल्थ केयर में तो कंप्लीट ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा. हमारे देश में हम लोगों ने हमेशा से हेल्थ केयर को लो प्रायोरिटी समझ के चला है क्योंकि हम अपने जीडीपी का बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार भी हेल्थ केयर पे कम स्पेंड करती है. हम भी बहुत निग्लेक्ट करते हैं छोटी छोटी चीजें. जैसे ऐसे कहा जाता है कि बार बार हाथ धोने से ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी केप्ट एट बे. ये हमेशा से कहा जाता था. हम ध्यान ही नहीं देते थे. हम कहते थे कि ठीक है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है बिकॉज वी हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोस वायरसेस एंड बैक्टीरिया. हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. नाउ वी आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सच अ स्मॉल वन स्मॉल स्टेप कैन मेक यू हेल्दी कैन शील्ड यू फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिसीजेस. जो शायद हमने अभी जो सीखा मुझे मैं मान के चलता हूँ कि हम में से करीब करीब सभी सारी जिंदगी से अपनाएंगे. और एंड दिस वन रिमार्केबल स्मॉल चेंज कैन ब्रिंग अबाउट अ सी चेंज इन द वे हेल्थ केयर वुड बी एड्रेस्ड टू इन दिस कंट्री. टेलीमेडिसिन के बारे में बहुत बड़ा मैं मान के चल रहा हूँ कि बूस्ट होने वाला है. टेलीमेडिसिन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस मेडिसिन जिसके बारे में अभी फैसिलिटीज अवेलेबल है. हम रिलेक्टेंट थे. हमें हमारे यहाँ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं. आप लोग जानते हैं क्लाइंट जब तक आपके सामने बैठकर आपसे बात ना कर ले तब तक आप उसका क्लाइंट का दिल नहीं भरता. फोन पर आप कहते हैं कि फोन पे भेज दो व्हाट्सएप पे भेज दो मैं कर दूंगा. वो कहता नहीं मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ. तो ये जो हमारी आदत थी कि संपर्क सामने आना और मिल के बात करना तो वो चीज थोड़ी सी कम हो जाएगी. इन इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशंस लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस टेलीमेडिसिन इज गोइंग टू हैपन प्रीटी सून. और इस विपदा ने हमें बता दिया कि हमारे पास में मॉडल रेडी है सब कुछ है. रिलेक्टेंस जो था ह्यूमन जो जिसको हम इनर्शिया कहते हैं आई थिंक ये बहुत बड़ा मौका है इनर्शिया को ब्रेक करने का इनर्शिया को तोड़ने का और इस तरीके को बढ़ाने का. टेलीमेडिसिन की वजह से कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन कम होगी लेकिन जो न्यू नॉर्मल है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बहुत बढ़ेगी क्योंकि अस्पताल को अब बहुत गेयरअप होना पड़ेगा. हमारे ऐसे भी अस्पताल थे आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं ऐसे अस्पताल थे जहां का हाइजीन स्टैंडर्ड हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के घर के हाइजीन स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे हुआ करता था. तो वहां जाने को डरता था ऐसा डर लगता था. देर इज अ इंग्लिश वर्ड इन डिक्शनरी कॉल्ड आयोट्रोजेनिक्स. आयोट्रोजेनिक का मतलब होता है इफ यू चेकअप दिस वर्ड इन डिक्शनरी आयोट्रोजेनिक मीन्स डिसीजेज विच हैपन बिकॉज यू वेंट टू अ हॉस्पिटल. आप हॉस्पिटल जाते हैं उस वजह से बीमार हो जाते हैं. तो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल आयोट्रोजेनिक की मशीनें थे वहां जाके हम बीमार हो जाया करते हैं. तो हॉस्पिटलाइजेशन इज गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली क्योंकि हॉस्पिटल को अब न्यू नॉर्मल में रहना पड़ेगा. अपने आप को संभालना होगा यू नो हाइजीन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा और उसके हिसाब से बढ़ना होगा. सो हाइजीन स्टैंडर्ड इज गोइंग टू सी अ ड्रामेटिक चेंज विच इज गोइंग टू हैपन. इम्यूनिटी की तरफ अब अ लॉट इज बीइंग सेड बाय आयुष मिनिस्ट्री एंड एवरीबॉडी अबाउट इंप्रूविंग योर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी आज आपकी चार दिन में इंप्रूव तो नहीं होने वाली है. इम्यूनिटी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आपको हमेशा से इम्यूनिटी की ओर ध्यान देना होता है. सो ईटिंग हेल्दी फूड इज समथिंग दैट वी ऑलवेज नेग्लेक्टेड. आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट
थिंग फॉर अस. हमको अपने आप को जिंदा रखना है, ये सबसे पहले जरूरी है. उसके लिए फिजिकल वर्कआउट, इम्यूनिटी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी मेजर फैक्टर्स फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसिडर, विच आई सी अ पॉजिटिव थिंग एमर्जिंग आउट ऑफ दिस पैंडमिक, जिसकी ओर हम लोगों को हमारा ध्यान गया, जिसकी ओर हमें देखना होगा. बहुत सारी वेंचर फंडिंग हुआ करती थी, जो हम हैरान रहते थे कि 1,000 करोड़ रुपए ऐसे बिजनेस को दे दिए गए जिस बिजनेस में हमको खुद को लगता है कि वायबल नहीं है. तो वेन यू हैव लॉट ऑफ हॉट मनी विच इज चेजिंग द बिजनेसेस, आपके पास सप्लाई ज्यादा है और आगे डिमांड कम है. एक MBA करने के बाद में एक छात्र जरा कोई एक छोटा सा बिजनेस आइडिया लेकर आता था, बहुत अच्छा सा यू नो स्लाइड शो बना दिया, प्रेजेंटेशन बना दिया, एलिवेटर पिच बना दी और उसको किसी वेंचर फंड कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर के सामने रखा और वो कहता कि ठीक है मैंने तुमको फाइनेंस कर दिया. ये इस किस्म के फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. द वेंचर फंड मैनेजर वुड नाउ लुक फॉर स्ट्रॉन्गर बिजनेस मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट, एजिलिटी. एजिलिटी मतलब समय के साथ बदलने की ताकत और ओवरहेड कम में जो बिजनेस काम कर सकता है. हमने देखा कि ओवरहेड जो जिनके कम है वो आज भी जिंदा है, क्योंकि पैंडेमिक में जब लॉकडाउन है तब भी आपके खर्चे तो आप चल ही रहे हैं, खर्चे तो खत्म नहीं हो रहे हैं. तो जिस बिजनेस के खर्चे कम है वो जिंदा रह पा रहे हैं, जिस बिजनेस के खर्चे बहुत ज्यादा है. टेक अ टिपिकल एग्जाम्पल, नॉट टू हर्ट एनीबडी, बिकॉज कुछ एग्जाम्पल किसी व्यक्ति विशेष को हर्ट को शायद इमोशनली टच कर सकते हैं, उसे माइंड ना करें. मैं जस्ट एग्जाम्पल सोच सोच के बता रहा हूँ आपको. जैसे कि कोई एक नया बिजनेस शुरू करता है, नया, लेट्स से अ न्यू रेस्टोरेंट समबडी ओपन्स इन द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द सिटी, जहां पर मान लीजिए 2-3 लाख रुपए की रेंटल पर वो एक न्यू एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप अपना बिजनेस शुरू करता है. क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है, ही इज अ शेफ फ्रॉम यू नो फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लेट्स से ताज से काम करके आया हुआ है, तो उसे अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा है. वो 3 लाख रुपए की रेंट पे कर अपना शुरू करता है, काम अच्छा चलने लगता है, लेकिन उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है. तो नाउ दिस ओवरहेड 3 लाख की रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टाफ की सैलरी उसे देना, उसकी चूंकि उसके शुरुआत करने के 6 महीने बाद या 1 साल के बाद ही ये सिचुएशन आ गई, सो ही हैज नॉट डेवलप्ड सफिशिएंट रिजर्व्स टू पे दिस ऑफ, उसके लिए परेशानी बढ़ जाती है. सो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लोअर ओवरहेड्स व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक. अभी जो बिजनेस मॉडल सोचना होगा उसमें आप खर्च अपनी चादर के अनुसार कितना कम कर सकते हैं, उसे उतने ही पांव आपको पसारने होंगे. ये आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन. एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको रिड्यूस करनी है, रिस्क को लेना होता है, लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर यू नो विच आर डिस्क्रिशनरी, जिनको हम कम कर सकते हैं. जो एक्सेसेस हमने लाइफ में डाल दिए हैं, बहुत सारे एक्सेसेस हैं, तो जिन्होंने जो हमें जो फ्रिल्स होते हैं, जो हम बाहरी आवरण के एक्सेसेस होते हैं, आई थिंक लॉट ऑफ देम कैन बी कर्टेल्ड. सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग ऑन दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी कर्टेल्ड इजिली बाई यू, एंड आई थिंक दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू लर्न. बहुत सारे लोग हैं हमारे में से जो जिसको मैं कहता हूँ पेचेक टू पेचेक जीते हैं. एक सैलरी का चेक आया, आते साथ ही एक EMI, दूसरी EMI, तीसरा रेंट, चौथा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पांचवा ये, और उसके बाद में बचा खुचा जो था वो रेस्टोरेंट्स का बाहर जाके खाने में, क्लब्स पे कर करा के 25 तारीख तक पैसा खत्म, 26, 27, 28, 29 इंतजार की अगला चेक कब आएगा, 30 तारीख को चेक आया, उसके बाद फिर खत्म. बहुत सारे लोग इस तरीके से जीते थे. वी वर एम्यूलेटिंग द अमेरिकन मॉडल ऑफ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. अमेरिका और हम में एक बहुत बड़ा, वेस्टर्न वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में हमें एक बहुत बड़ा फर्क है. वेस्टर्न वर्ल्ड में सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से काफी होती है. आप अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो सरकार आपको जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ डोल्स और कुछ ना कुछ देते रहेगी. हमारे पास तो ऐसा कुछ भी पर्याय नहीं है. तो वी विल हैव टू नो दैट एनी कैलामिटी कैन स्ट्राइक एनी टाइम टू अस. हमें पेचेक टू पेचेक जीने का जो हमने वेस्टर्न मॉडल फॉलो किया था, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में मुझे कोई परेशानी नहीं है. आपके पास है, आप खर्च करना चाहते हैं, आप बेशक कर लीजिए. लेकिन यदि आप अगले 4-5-6 महीने के खर्च का प्रोविजन अपने पास नहीं रखेंगे तो ये इस किस्म की विपदा जब भी आएगी आप परेशान हो जाएंगे उसमें से. आई मीन लॉट ऑफ सुसाइड्स आर बीइंग कमिटेड बाय पीपल
नाउ तो ये बिजनेस के लिए भी वैलिड है, ये इंडिविजुअल के लिए भी वैलिड है. आपके पास लिक्विड सोर्सेज में अगले 6 महीने के खर्च जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, अगर आप बिजनेसमैन है तो, और आप सैलरी अर्नर है तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है. आपकी आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, आपका स्टाफ है, आपके घर के काम करने वाले नौकर हैं, आपके EMIs हैं, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है. तो ये 6 महीने का प्रोविजन आपको लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म का मतलब हो सकता है कैश के फॉर्म में, बैंक में कैश कैश रखने के फॉर्म में, ऐसी सिक्योरिटीज के फॉर्म में जिनको एक दिन में लिक्विडेट किया जा सके, या 2 दिन में लिक्विडेट, या 3 दिन में लिक्विडेट किया जा सके. यदि आप इस तरीके से नहीं रखेंगे तो जो लोग परेशानियां अभी झेल रहे हैं, मेरे कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी देने के लिए लोगों से उधार मांगा, क्योंकि स्टाफ परेशानी में है, सैलरी देनी है, देने के लिए कैश नहीं है पास में. सो आई थिंक दिस इज इन द न्यू नॉर्मल, पीपल विल लर्न टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का पहला स्टेप होता है कि अगले 4-5-6 महीने का एक्सपेंसिस का प्रोविजन हमें अपने पास रखना होगा. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रितेश, तो मुझे अगर मैं बहुत एक्सीड करने लगूंगा तो मुझे इशारा कर देना और रोक लेना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि मैं बोलते रहूंगा जब तक आप मुझे टोकेंगे नहीं. Yes, go ahead, no issue. I will restrict you. Yeah, please, thank you. हमने बहुत सारे चेंजेस देखे. डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. डिजिटल इकोनॉमी पर जो लोग काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन पर जो लोग काम कर रहे हैं, IT पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग डिजिटल बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि द फ्यूचर लाइज विद दैट धीरे धीरे. और उसके साथ ही जो मैं देख रहा हूँ, I am a keen observer of cyber crimes and the breaches of cyber security. मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है KYC के नाम पर, और Paytm के फ्रॉड्स और इस तरीके इस किस्म के फ्रॉड्स आ रहे हैं. तो आई थिंक IT सिक्योरिटी विच इज वेरी वेरी लैक्स, एंड और उसका वर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा इस पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो बुजुर्गों को चीटिंग की गई, क्योंकि आपके हाथ में एक सशक्त बहुत बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है आपका मोबाइल फोन जो है, जिसमें आपका सब कुछ है, आपका बैंक भी इसके अंदर है, आपका डेटा भी इसके अंदर है. आप रियलाइज नहीं कर रहे कितने बड़े कंप्यूटर को साथ लेके चल रहे हैं, आपकी सारी वेल्थ शायद आप इसके अंदर लेके चल रहे हैं. और तो जिन लोगों को IT की बेसिक अवेयरनेस नहीं है, या जिनको अवेयरनेस है उनके लिए भी सोशल इंजीनियरिंग इज सच अ टूल, जहां पर अच्छे अच्छे समझदार लोग भी फंस जाते हैं. तो आई थिंक क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर IT सिक्योरिटी वुड बी अ बिग चैलेंज एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड क्रिएटिंग सिक्योरिटी डिवाइसेस, सिक्योरिटी एप्स, सिक्योरिटी मेथडोलॉजी, ट्रेनिंग इन पीपल इन बेसिक्स ऑफ IT security, I think, is going to get a big boost out of this pandemic. क्योंकि जब आप घर में खाली बैठे थे तो चोर भी घर में खाली बैठा था, वो भी उतना ही बेरोजगार था जितने आप बेरोजगार थे. तो लेकिन उसने सोचा कि मैं किसी की दीवार तोड़कर चोरी करने के बजाय क्यों ना मैं उसकी डेटा सिक्योरिटी तोड़कर चोरी कर लूँ. तो इस तरीके से चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आज भी हो रही हैं. जितने रिपोर्टेड केसेस हम पेपर्स में देख रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा हैं, उनसे 10 गुना ज़्यादा है. 10,000, 5,000, 2,000 वाले, मेरे किसी मित्र का 12-14 हज़ार रुपये Paytm से उड़ा लिया गया जब वो मैंने उसे गाइड किया कि साइबर सिक्योरिटी सेल में चले जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे फोन कर दिया मैंने उन्हें. वहाँ वो पहुंचा तो कहने लगा मेरे जैसे तो वहाँ 200-300 लोग बैठे हुए थे, मतलब 200-300 कंप्लेंट आई हुई थी. तो मेरी कंप्लेंट तो छुप गई उस कंप्लेंट की भीड़ में ही दब गई, क्योंकि 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख वाली बड़ी कंप्लेंट्स थी वो लोग हैंडल कर रहे थे. तो 5,000, 10,000 वाले तो बेचारे रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बट पुट टुगेदर दिस अमाउंट्स टू अ बिग सम ऑफ मनी. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू. अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो भी आपके लिए एरिया है, आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो भी एरिया है, बिजनेस करना चाहते हैं तो भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एरिया है. हमें रेस्टोरेंट फूड से जितना लगाव था जोमेटो और स्विगी के बाद में, उतना ही इस समय रिपल्शन है बहुत लोगों को, डर बैठा हुआ है दिमाग में, डिलीवरी में क्या होगा, इसमें क्या होगा. और खासकर जब प्रोफेशनल कुक जो पता नहीं किस एरिया से आ रहा होगा और हमारे लिए बिरयानी बना रहा होगा या कुछ खाना बना रहा होगा या चाइनीज बना रहा होगा, तो हम डर रहे हैं उस चीज के लिए. तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर क्लाउड किचन विच आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फैमिलीज, अम्मा हमारी, आजी हमारी, दादी अम्मा, ये लोग जैसे आपने YouTube में देखा है पिछले दिनों, हर हम में से हर किसी ने YouTube में खाना बनाने की रेसिपीज तो देख ली है. YouTube के जो नए जो यू नो इन्फ्लुएंसर्स हैं,
या नए जो सुपरस्टार्स हैं वो बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं जो शायद अंग्रेजी भी नहीं जानती लेकिन खाना अच्छा बना पाती हैं. सो दिस इज द न्यू नॉर्मल, चेंज हो गया. इन्फ्लुएंसर्स डोंट हैव टू बी यू नो लुक लाइक अ फिल्म स्टार, उसको उसको उसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए. वैसे ही मुझे लग रहा है कि फूड इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ एक मेजर चेंज कि क्लाउड किचन बेस्ड ऑन होम बेस्ड कुकिंग इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बूस्ट. हमें जब इम्यूनिटी की बात करते हैं या हाइजीन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, दोनों तरीके से वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होगा लोगों को इस चीज को जज करने के लिए. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट टेकिंग प्लेस, अ लॉट ऑफ शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट. सो व्हेन द न्यू नॉर्मल ओपन्स, आई थिंक क्लाउड किचन बेस्ड ऑन होममेड फूड इज गोइंग टू सी अ बिग बूस्ट. और आई थिंक दिस इज द टाइम टू रीडिस्कवर द ओल्ड फॉरगॉटन बिजनेस मॉडल्स. हम लोगों ने लूडो खेला, हर किसी ने लूडो तो भूल चुके थे हम लोग, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल के बाद खेला. इफ लूडो कैन कम बैक इनटू लाइफ, जस्ट इमेजिन व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कैन कम बैक इनटू लाइफ. देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स. दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, दूरदर्शन. दूरदर्शन को तो के नाम से ही शायद हम लोग उसे बंद कर देते थे, चैनल स्किप कर दिया करते थे, लेकिन दूरदर्शन इज नाउ कम्पीटिंग विद नेटफ्लिक्स, इट्स कम्पीटिंग विद अमेज़न प्राइम, इट्स कम्पीटिंग विद हॉटस्टार. तो अगर दूरदर्शन में इतनी स्ट्रेंथ है जो नेटफ्लिक्स के साथ कॉम्पीट कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हमारी और कई चीजें होंगी जिनको हम ढूंढ के निकालें, जिनकी जिनमें ताकत इनहेरेंट स्ट्रेंथ है लेकिन वे दे आर फॉलन हीरोज या वो जो मिट्टी में दबा हुआ हीरा है जो हम समझ नहीं पाए हैं. सो आई थिंक दिस इज टाइम टू री इनोवेट, री इन्वेंट दोज थिंग्स. उनको बाहर निकालिए, जो हीरे आपके पास में हैं, हमारे पास हैं, हमारी हमारे कल्चरल हेरिटेज के हीरे हैं, उनको बाहर निकालिए. जैसे मैंने ग्रैंड मास कुकिंग के बारे में बात की, ऐसे कई हीरे हैं जो निकल सकते हैं, आप उन्हें बाहर निकालिए और उनका उनका दूरदर्शन बना दीजिए. दूरदर्शन जो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन को जो बूस्ट मिला है उसको कायम रखे जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. वर्क फ्रॉम होम जो आईटी इंडस्ट्री हमेशा से करते आई है, जिसे हमें आप और हम हमारे जैसे 90% लोगों को कभी समझ ही नहीं आता था कि वर्क फ्रॉम होम करते क्या है ये लोग. आप लोगों ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, हम मजबूरीवश किया. वैसे एक तरीके से जब मैं सोचता हूँ कि 90% इंडियंस हैं हम, जो व्यापारी वर्ग है वो एक्चुअली हमेशा से 24/7 का वर्कर और बिजनेसमैन होता है. घर में फोन आ जाता है आपको 7 बजे की, भाई ये सप्लाई करनी है, आप कहते हैं ठीक है 9 बजे दुकान खुलेगी, आदमी आएगा मैं भेज दूंगा. रात को 10 बजे फोन आता है, आप कहते हैं मैं घर आ गया हूँ, लेकिन ऐसा करो आप घर में आदमी भेज दो, मैं पैसा यहीं से दे देता हूँ. तो वी आर यूज टू इट एक्चुअली, लेकिन कन्वेंशनल टर्म्स हम जो चीजें हम कर सकते थे वो करते थे. अब हमको सोचना होगा कि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो हम किस तरीके से हमारी कंप्लीट एक्टिविटी घर से कर सकें. सो आई थिंक दिस गेव अस एन अपॉर्चुनिटी. हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, किसी ने अपना सर्वर उठा के घर में ले आया, किसी ने अपना लैपटॉप उठा के घर में ले आया. इस तरीके से जो काम कंप्यूटर पे करना जरूरी है, अकाउंटिंग करना जरूरी है, आपने वो किया, बिलिंग आपने घर से की और पेपरलेस इन्वॉइसिंग कर दी आपने. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें. क्या रितेश, मैं 5 मिनट क्विकली वाइंड अप करूंगा 5 मिनट के बाद में. तो इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, जो हमको आई थिंक वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दैट. हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए. आज जो वेबिनार में हम लोग बैठे हैं, इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम में से शायद 90% लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरीके की जूम या गूगल मीट या वेबिक्स की मीटिंग कर पाएंगे. सो दिस हैज बिकम वायबल फॉर अस. तो मेरा न्यू नॉर्मल में आप लोगों से ये निवेदन होगा कि इसे कायम रखिए. जो आपने नई टेक्निक सीखी, नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली है, इसे कायम सीखिए. व्हाई नॉट हैव अ मीटिंग ऑफ योर एम्प्लॉयज समटाइम्स ऑन जूम. आपके छोटा एम्प्लॉय के पास में एक स्मार्टफोन है, जो उसके पास भी वही इक्विपमेंट है जो आपके पास में है, टेक्नोलॉजी वही है उसके पास में जो आपके पास में है. व्हाई नॉट हैव समटाइम्स हैव अ मोरल बूस्टिंग मीटिंग फॉर योर एम्प्लॉयज ऑन दैट. सेल्स वाले तो करते आए हैं, आईटी वाले करते आए हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर क्यों नहीं कर सकता? बिजनेसमैन क्यों नहीं कर सकता? So now this in this new normal, let's learn to use this. आज जो आप कर रहे हैं, try to think of आप क्या ऐसे कर सकते हैं. अपने कस्टमर के साथ किया जा सकता है, आपके एम्प्लॉय के साथ किया जा सकता है, आपके स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, किसी के साथ भी ऐसी मीटिंग की जा सकती है. सो आई थिंक दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ न्यू नॉर्मल. इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, लॉट ऑफ
रिसोर्सेज फॉर यू, आप अपने अपने कंट्रोल में होते हैं, आप काम करते हैं. एजुकेशन में जो लोग हैं आप में से, दे इज गोइंग टू सी अ बिग चेंज. इसके पहले जब हम बात करते थे एजुकेशन की, तो देर वर टू डिफरेंट कैटेगरीज. एक होता था जो ऑनलाइन एजुकेशन के मॉडल जो आ गए थे, बायजूस एंड ऑल, वो प्योरली ऑनलाइन मॉडल थे, और बाकी हमारी क्लासरूम का जो मॉडल था वो ऑफलाइन मॉडल था. ऑनलाइन मॉडल की अपनी खामियां थी, अपने लिमिटेशन थे. ऑफलाइन मॉडल की अपनी खामियां थी, अपने लिमिटेशन थे. ऑफलाइन मॉडल तो काम करना ही बंद कर गया था लॉकडाउन में, और ऑनलाइन मॉडल पूरी तरह से काम नहीं कर सकता. हमें आपके पास हर किसी ने जोक्स रिसीव किए हैं कि क्लास में तारक मेहता आके बैठे हैं और जेठालाल आके बैठे हैं, और इस किस्म के हर किस्म के जोक्स बन रहे थे और अजीब अजीब सी बातें हो रही. तो ऑनलाइन मॉडल भी पूरी तरह से वायबल नहीं है, ऑफलाइन मॉडल भी वायबल नहीं है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री इज, ये जो स्किल टीचर्स ने एक्वायर की है, जो कन्वेंशनल टीचर थे 30-30 साल से क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, आज वो जूम पर पढ़ा रहे हैं लोगों को. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज. इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ द टू मेथड्स. आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप घर में ले सकते हैं स्टूडेंट के साथ में. आप किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रीइन्फोर्समेंट करना चाहते हैं तो उसको आप घर से ले सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ मेजर चेंज दैट एजुकेशन इज गोइंग टू सी, एंड इट्स गोइंग टू बी रिमार्केबल, स्पेशली फॉर एरियाज वेयर द रीच इज लो, जहां पर पेनिट्रेशन कम हुआ करता था, जहां पर पहुंचना आसान नहीं होता था. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर चेंज विच इज गोइंग टू सी. और अब मैं कम छोटी सी ये बात करना चाहता हूँ कि हमें इन जनरल एज अ बिजनेसमैन क्या करना चाहता है. 2-3 मिनट में कहना चाहूंगा. एक बात तो पक्की है कि जैसे मैंने कहा, डिसरप्शन है, बाहर निकलना आसान नहीं है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इस समय जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है. तो इस समय जो भी इनोवेशन आपके बिजनेस में, आप सोचिए कि आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या नई चीज ला सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं क्या. यदि आप केमिकल बना रहे थे तो आप सैनिटाइजर बना सकते हैं क्या. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये इनोवेशन, अगर एशियन पेंट सैनिटाइजर बनाता है तो मुझे पता है एशियन पेंट के लिए सैनिटाइजर बहुत छोटा स्लाइस है उसके केक का, बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है. तो वो उसको उसको उसकी रेवेन्यू इतनी नहीं देगा, लेकिन उसको एक इनोवेशन का मौका मिला, और उसको कस्टमर के साथ कनेक्ट रहने का मौका मिला, उसको ट्रस्ट डेवलप करने का मौका मिला. सो आई थिंक दिस इज द टाइम वे यू इनोवेट एंड यू यूज ऑल दिस टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड टू योर कस्टमर, टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर. सबसे इंपॉर्टेंट ये वक्त है, आपको अपने नई चीजें सोचनी है, अच्छी चीजें सोचनी है, अच्छे तरीके से काम सोचना है, ताकि आपके कस्टमर और आपके एम्प्लॉयज का मोरेल हाई रहे, उनका ट्रस्ट आप और बढ़ा सकें. तो इस पीरियड में शायद हम पैसा नहीं ज्यादा कमा पाएंगे. इवन इफ यू कम आउट विद समथिंग वेरी इनोवेटिव, इट मे नॉट रिजल्ट इन मच मनी बीइंग मेड बाय यू. मारुति को वेंटिलेटर बनाने में कितना पैसा मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसके कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को यह मालूम होगा कि मारुति इज एन इनोवेटिव कंपनी, जो वक्त पड़ता है तो वेंटिलेटर भी बना सकती है, तुरंत 4 दिन के अंदर बनाना शुरू कर सकती है. सो कम आउट विद दोस काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज दैट यू हैव गॉट. हर बिजनेस में अपने इनोवेशन के रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं. ये नो अदर टाइम वॉज एज परफेक्ट एज दिस टाइम टू इनोवेट, टू इम्प्रूव एंड टू एक्सपेरिमेंट. अगर आपका एक्सपेरिमेंट गलत भी हो जाता है तो कोई माइंड नहीं करेगा, आप कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज द मेजर टेक होम मैसेज दैट आई वुड हैव, कि आप आउटपुट पे ध्यान ना दें, आप ट्रस्ट पे ध्यान दें, आप ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें, और जो ट्रबल टाइम्स में जो आप मेजर्स लेंगे उससे आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी होगी. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितना लॉकडाउन बढ़ेगा, जितना ये वायरस का इम्पैक्ट बढ़ेगा, उतना नुकसान तो हमें होगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइड सोचिए कि जितना ये बढ़ता रहेगा, वी हैव नो चॉइस बट टू लिव विद दैट. तो जितना बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा आपको नई वैल्यू एडिशन का, नई अपॉर्चुनिटी का, नई लर्निंग का मौका मिलते चले जाएगा. तो थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग पीरियड फॉर यू लाइफ में. आपकी 100 साल, 70 साल, 60 साल की लाइफ में 3 महीना, 4 महीना या 6 महीने का वक्त बहुत बड़ा नहीं होता. तो थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक विद दिस आई वुड क्लोज इट, और देन आई कैन आंसर द क्वेश्चंस हियर. Yes, thank you, Rawal ji. We'll take up the question answer immediately now. But I would really like to thank you for a wonderful deliberation. आपने जो बात रखी हमारे सामने, and that too breathless तरीके से, without even taking a breath, I suppose. So it was wonderful. And जो दो चार बातें मुझे समझ में आई है, बहुत important है, which you have stressed very well, कि after this lockdown there will be a new norm of new normal.
जो हम पहले करते आए थे और अब जो करने वाले हैं उसमें बहुत फर्क होगा. तो वी ऑल बिजनेस ओनर्स शुड टेक नोट ऑफ दिस कि द न्यू नॉर्मल हैज कम्प्लीटली चेंज नाउ. तो हमको हमारे बिजनेसेस में भी हमको वो इनोवेशन लाना होगा. वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू गेट बैक अवर क्लाइंट्स, टू गेट बैक अवर कस्टमर्स, द ट्रस्ट ऑफ देम. सो रियली दैट हैज गॉन कम्प्लीट चेंज. बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट एज यू राइटली सेड सर कि हमारा इंडिया में वी हैव अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं होगा बिकॉज अभी ठीक है वी आर जस्ट बाइंग ऑन नीड बेसिस, बट ग्रेजुअली वी विल ओपन अप एंड द डिमांड विल ऑल्सो कम बैक टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स एज द केस में भी. और आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया केस ऑफ एशियन पेंट. दे हैव डाइवर्सिफाइड पेंट्स सैनिटाइजर एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि एशियन पेंट इज द ओनली कंपनी इन दिस पीरियड विच हैज हाइक द सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज. यानी सब लोग कम कर रहे हैं, कट ऑफ हो रही सैलरी, बट देयर इज अ कंपनी विच हैज हाइक द सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज एज अ मॉरल बूस्टिंग कॉन्फिडेंस मेजर. सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, वी हैव टू थिंक इनोवेटिव. हम लोग में जज्बा है कि वी नेवर से वी नेवर गिव आउट. We Indians have the ability, the attitude of fighting it back, or हम लोग जल्दी इससे will definitely come out. So thank you very much for a wonderful deliberation. आपके ideas जो थे, they were really it was a treat listening to you on all the concepts and ideas you shared with us. And we had a wonderful gathering of almost 50 members continuously listening to your all the deliberations. हमारे हाथ में कुछ मेंबर्स यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री से भी है, कुछ सर्विस सेक्टर से भी है. So let us open now this forum for question answers, friends. I would request if you have any questions, you should not be shy and just take this opportunity because Rawal ji bar bar haath mein milte nahi humko. So don't miss this opportunity and take up any question if you have. Yes, Kailash ji. Rawal ji, aapne bahut hi acha concept coin kiya. Homemade food based cloud kitchen. Aaj ki tarikh mein sabse zyada jo hard hit industry hai wo restaurant, caterers aur event wale hain. To ye ek unke liye powerful concept hoga. Hamare sampark mein bhi kuch sadasya hain jo बुरे दौर से जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के, तो थोड़ा अगर इसकी डिटेल्स बताएंगे तो वो शायद इस दिशा में काम चालू कर पाए. जी हाँ जी हाँ. देखिए जो जो अंडर द न्यू नॉर्मल जो चेंजेस हुए हैं इस पैंडेमिक के दौरान, दो मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि यू नो जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम होम फूड बेस्ड क्लाउड किचन की ओर जा सकें. पहला चेंज ये हुआ कि पीपल आर नाउ वेरी वेरी कंसर्न अबाउट हाइजीन स्टैंडर्ड. आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय जो पिज्जा डिलीवर कर रहा था वो 70 घरों में डिलीवर किया, तो 70 के 70 घरों में घबराहट इतनी ज्यादा हुई और उसके बाद में लोगों ने डिलीवरी बॉय से डिलीवरी लेनी एक्सेप्ट कर दी. इतनी ज्यादा घबराहट लोगों के दिमाग में बैठी है जबकि इतना बुरा नहीं था वो सिचुएशन. तो सो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप जब एक जस्ट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल, जब आप किसी होटल में जाते हैं और आप अपने रूम में चेक इन करते हैं और जब आप व्हेन यू एंटर इनटू योर वॉशरूम, तो आप देखते हैं कि आपकी टॉयलेट पे टॉयलेट सीट के ऊपर में एक पेपर लगा होता है, लिखा रहता है कि दिस हैज बीन हाइजीनिकली क्लीन फॉर योर सेफ्टी. आई थिंक दिस इज अ बिग लेसन टू ड्रॉ फ्रॉम दिस. हर जगह जहां पर ये सेफ्टी वाला बेल्ट दिखाई देगा, हर बिजनेस में, हर बिजनेस मॉडल में, हर सिचुएशन में जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि ये आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस सिचुएशन में. नंबर वन, तो वो टॉयलेट सीट का जो कवर के ऊपर जो लिखा होता है ना, उसे आप भूलिए मत. वही आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इन एवरी बिजनेस. तो दैट इज नंबर वन. दूसरा ये होगा कि हमने 3 महीने में वो सीखा जो हम शायद पिछले 20 साल में भूल चुके थे. हमने माँ के हाथ का खाना, दादी के हाथ का खाना, बचपन का खाना, घर का खाना, घर की पुरानी रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज, दादी माँ के भूले नुस्खे, सब कुछ सीख डाले एक साथ में. So I think this time is ripe for people to introduce those recipes into commercial businesses, into commercial catering and commercial kitchen. Aap un recipes ko le aaiye, people are eager, people are hungry for them. So I think ye number one. Aur jab ghar mein khana banta hai, to hygiene standards zyada hote hain. So if your, agar ghar ke jaisa khana, ghar ke jaisi quality ka, koi assurance dene ke saath mein bana sakta hai, so I think he has an immediately ready market. Itni competition ke bawajood, hamare नागपुर में 500 रेस्टोरेंट होंगे, लेकिन कोई कहता है कि मैं घर जैसा खाना बना रहा हूँ एट अ रीजनेबल प्राइस, कुक्ड इन अ कुक्ड यूजिंग ट्रेडिशनल रेसिपी, आई थिंक दैट्स द स्कोप. सो आई थिंक लॉट ऑफ योर मेंबर्स हु आर इनटू केटरिंग कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट. उसका डिलीवरी मॉडल क्या होगा, मेरा सजेशन ये होगा उसमें, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, यू मे बिकॉज पीपल इन द इंडस्ट्री नो बेटर देन समबडी लाइक मी. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको मार्केटिंग खुद करना चाहेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ टफ जॉब. So, because marketing would require, if you want to be a startup who wants to market and develop your brand
विथ अ सेल्फ सपोर्टिंग डिलीवरी सिस्टम, तो आप उसको करिए, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है. इमीडिएट प्रोपोजिशन तो होगा कि यूज द एग्जिस्टिंग चैनल्स, एग्जिस्टिंग डिलीवरी मॉडल है. जोमैटो, स्विगी और Amazon would be coming to Nagpur soon for delivering food. Use those existing channels and create a cloud kitchen with no seating arrangements. And publicize that, publicize and highlight the hygiene standards and the traditional cuisine. I think you have the way. I think in short, itna hi keh sakte hai. Baki hum log, I think we can have a discussion with those people separately if you want it. Yes, yes. Thanks, Rawalji. Thanks. Thank you very much for a very excellent idea. Kailashji is our director of Sampark and he has posed a very good question. Anyone else have any question? I think many of you are lined up for asking this question to Rawalji. Yes, apne aap ko unmute kijiye and then you can ask the question. Ritesh ji, kuch chat window mein question aaye, jaise Kalyani Pathak aur Suraj Mishra, jo construction Suraj construction industry mein matlab bath fitting ke supplier hai aur Kalyani architect hai, she is consultant. तो जो एक दूसरा सेक्टर जो हार्ड हिट हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इंफ्रा इंडस्ट्री, तो उनके लिए रावल जी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी जी हाँ, वेल दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और ये बहुत ज्यादा हार्ड हिट है और सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि दुबले पर दो आषाढ़, तो गरीब के ऊपर में दो बार मार पड़ती है, ऐसा हो जाता है. कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी ये सेगमेंट जो था रिसेशन में था, पूरी तरह से बहुत ज्यादा रिसेशन फेस कर रहा था, तो और उससे उभर के आने का जब वक्त आया उस समय ये दूसरी मार पड़ गई उसके ऊपर में. तो सो कंस्ट्रक्शन इज डेफिनेटली हार्ड हिट. कंस्ट्रक्शन को वापस आने को वक्त लगेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन यू नो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आई लाइक टू कोट वन फेमस ऑथर हु सेड दैट लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई. तो लैंड और कंस्ट्रक्शन तो, और स्पेशली व्हेन वी हैव अ पॉपुलस नेशन लाइक इंडिया, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमारे कम लॉन्ग टर्म में होने वाले नहीं है. लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं. आज शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप को कैसे बचाए रखना, अपने आप को कैसे जिंदा रखना. दैट वुड बी अ शॉर्ट टर्म चैलेंज. लॉन्ग टर्म में आई कैन सी अ लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट, अ लॉट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी टेकिंग प्लेस. जो हम एक जो स्लाइड चेंज मैं देख रहा हूँ वो ये होने वाला है कि जो लोगों के नजरिए में थोड़ा सा चेंज आया है. जो हम बहुत ज्यादा लग्जूरियस लिविंग की बात करते थे, उससे नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑफ मिनिमलिस्टिक लिविंग. सो एटलीस्ट इस बात का असर थोड़े समय के लिए रहेगा और कुछ लोगों के लिए परमानेंट रहेगा. सम पीपल वुड लाइक टू गो इन फॉर बेसिक्स रादर देन फॉर अ वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ थिंग. तो व्हाट आई सी इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द मिडिल, स्लाइटली हायर देन मिडिल एंड लोअर सेगमेंट. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए इस वक्त तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि नंबर वन, अपने बिजनेस को कायम रखें, उसको जिंदा रखें. जो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं करते रहें, खर्चा जितना कम कर सकते हैं कम करके चलें. सो आई थिंक दैट वुड बी द थिंग. एंड दोज हु आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रोड्स रिलेटेड हैं या ब्रिजेस से रिलेटेड हैं, आई थिंक द मेजर थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर द इकोनॉमी इज रीबिल्ट विल बी ऑन दोज सेगमेंट्स. क्योंकि जो केन्सियन मॉडल है इकोनॉमिक्स का, सबसे ज्यादा इकोनॉमी में पैसा पुश करने का तरीका होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के थ्रू. तो सरकारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के थ्रू आने को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आई कैन सी अ लॉट ऑफ रीबिल्डिंग टेकिंग प्लेस विद दैट. तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो घरों का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा संयम रखना होगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखना होगा और अपने आप को संभालना होगा इस वक्त में, ताकि क्राइसिस को खत्म होने का इंतजार करें. उसके बाद आई कैन सी अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर दिस सेगमेंट. यस, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रियली नीड सम टाइम टू कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक एंड इवन पोस्ट पेंडेमिक, पोस्ट कोविड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन, आई थिंक अतुल केदार जी ने पूछा है, ऑन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. ये जो अभी रिसेंटली वी हैव सीन द फोकस हैव बीन शिफ्टेड ऑन इंश्योरेंस, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना जरूरी है इंश्योरेंस. अब पीपल आर रशिंग बिहाइंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. तो अब इसका फ्यूचर आप कैसे देख पा रहे हैं, व्हाट यू फोरसी? जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी बेल्ट, तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी बेल्ट हमारे सामने है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में. हमारे देश में इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा गया सारी जिंदगी. क्योंकि हमें जब तक हमको रिटर्न वापस नहीं मिलेगी तब तक हमें उसका मजा नहीं आता था. तो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी ऑल नो दैट LIC की रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि
उसमें से एक पोर्शन निकाल दिया जाता था आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए, आपकी आपकी जिंदगी, आपका जो जो इंश्योरेंस पार्ट होता है उसके लिए बचा हुआ पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था, और हम देखते थे उसमें रिटर्न कम है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम एडवाइज करते थे कि एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट उसकी वैल्यू दूसरे तरीके से है। उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अगर आपका डिसरप्शन हो जाता है, आपका आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को रिप्लेसमेंट ऑफ दैट सोर्स ऑफ इनकम कहां से मिलेगा। आई थिंक दिस वॉज इग्नोर्ड बिकॉज वी थॉट ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सो लेट अस कंसिडर, लेट अस अंडरस्टैंड, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता लोगों को समझाने के लिए जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है कि इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज फॉर योर लाइफ सेफ्टी। अगर आपको कुछ हो गया तो रिप्लेसमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपके परिवार को मिलना चाहिए और वो जरूरी है। आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि इवन यंग पीपल आर राइटिंग देयर विल नाउ, सो आई थिंक राइटिंग अ विल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको अपने सक्सेशन प्लानिंग करना, जिसके बारे में पूछा नहीं गया मगर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, सक्सेशन प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम इफ द प्राइमरी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज नो मोर। आई थिंक दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ जिसको हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ही पार्ट आता है, तो इसको हमको सोचना होगा। एंड आई थिंक नो अदर टाइम कुड बी बेटर देन दिस टाइम फॉर पीपल इन इंश्योरेंस टू सी द इम्पॉर्टेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारा पेनिट्रेशन काफी कम है, पेनिट्रेशन कम है इसलिए रेट ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा है, पेनिट्रेशन कम है इसलिए जो इसमें स्कैम्स होते हैं वो नजर आते हैं, इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाना चाहिए इस पैंडेमिक के बाद। आई थिंक जो लोग इंश्योरेंस में है उनके लिए सही वक्त है लोगों को समझाने का और इसको इस मार्केट को टैप करने का। और रचना अग्रवाल जी, जी हाँ मैं वही हूँ जो हिमालयन कैंप में गया था, आपके बेटे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिएगा बाद में। आई हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल द किड्स हु हैड गॉन विद मी। बट रावल जी, आप कब नेक्स्ट टाइम, आप अभी साइकिलिस्ट है, बाहर साइकिलिंग के लिए निकल नहीं पा रहे, मैराथन रनर है, आप बाहर निकल नहीं पा रहे, आप एडवेंचरिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो व्हेन यू सी नेक्स्ट टाइम, कब निकलने वाले हैं? पिछले संडे मैंने 2000 सीढ़ियां 2000 स्टेप्स क्लाइंबिंग की अपने घर में, आज मैंने सुबह 21 किलोमीटर रनिंग की इनडोर, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, काम निकल रहा है किसी तरीके से निकल। और ये न्यू नॉर्मल में मैंने डिस्कवर किया कि घर में बहुत सारे एक्सरसाइज किए जा सकते हैं जो मुझे मालूम ही नहीं था पहले कि हो सकते हैं, तो स्टेयर क्लाइंबिंग हैज बिकम अ फेवरेट एक्सरसाइज फॉर मी, तो हो सकता है रास्ते निकल आते हैं। यस, आशीष महाजन इज आस्किंग फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या देख पा रहे हैं आप, हाउ पीपल विल? देखिए मैं हमेशा लोगों से ये बात कहते आया हूँ, अब ये बोल रहा हूँ ना, ये न्यू नॉर्मल और ये डिसरप्शन एक ऐसा मौका है कि हम लोगों को समझा सके कि क्या क्या हो सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा वक्त शायद जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पेसिमिज्म आता है मार्केट में तो हर चीज पेसिमिस्टिक हो जाती है, हर यू नो आज देयर इज अ ब्लड बाथ इन द मार्केट, हर आदमी सोच रहा है कि इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, एंड व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ इन द मार्केट एवरीबॉडी सेल्स ऑफ, तो ये सेल ऑफ सिचुएशन है, पेसिमिज्म है, देयर इज अ ब्लड बाथ इन द मार्केट, देयर इज अ फियर इन द मार्केट। तो मेरा हमेशा यह कहना होता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। हर आदमी फियरफुल है तो ये वक्त है ग्रीडी होने का। आप लॉन्ग टर्म, दुनिया खत्म तो नहीं हुई है, दुनिया वापस आएगी, ना आप खत्म हो गए, ना हम खत्म होंगे, ना दुनिया खत्म होगी, सब कुछ वापस आ जाने वाला है। लेकिन आज का पेसिमिज्म या पेसिमिज्म के अलावा आज के डिसरप्शन की वजह से जिन लोगों की पैसे की जरूरत है वो लोग बेच रहे हैं, बेचने की वजह से पेसिमिज्म और बढ़ रहा है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर people to invest and stay invested for long term. और दूसरा एक lesson शायद जो लोग नहीं लेते थे पहले, बहुत सारे लोग short termism करते थे market में. I think this is the time for them to understand कि short termism does not work. आप लीजिए long term के लिए करिए, और मैं normally हमेशा कहता हूँ कि market timing भी काम नहीं करती, आपको हमेशा regular basis पे जैसे SIP कहते हैं या उस basis पे लेते रहना चाहिए, लेकिन there are certain times where you can identify that market timing is going to work. This is one such time. आप इतना नीचे है सब कुछ, एवरीबडी इज फियरफुल, वाई नॉट बी ग्रीडी। आप लीजिए, आप लोगों को एडवाइस करिए कि लीजिए एंड गो फॉर इक्विटी बेस्ड फंड, गो फॉर इंडेक्स फंड, गो फॉर इंस्टेड ऑफ डेट गो फॉर इक्विटी, दिस इज द बेस्ट टाइम। यस, थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव, किसी कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली इफ यू वांट। वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस, वो चैट विंडो में वेट कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं को कंप्लीट करके फिर वाइंड अप करते हैं। एक भूपेंद्र नारंग जी ने पूछा है कि वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते थे, तो अभी वो क्या करें, मतलब क्योंकि मिनिमलिस्ट अप्रोच जैसे आपने कहा, तो कॉर्पोरेट्स भी अपने एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह कट डाउन कर रहे हैं, तो
आप कुछ बताना चाहेंगे रावल जी? कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल गिफ्टिंग को थोड़ा सा अपना इनोवेटिव होना पड़ेगा, ये तो जरूरी बात है इस वक्त में, क्योंकि क्योंकि जब तक जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेडिकल फार्मास्यूटिकल का, फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर्स को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे, शायद अंडर द न्यू नॉर्मल वो गिफ्ट कम हो जाएंगे। वैसे ही कॉर्पोरेट जब तक रूटीन, जब तक सेल्स की टीम फुल प्रेशर में काम नहीं करना शुरू करती, तब तक के लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज गोइंग टू सफर अ सेटबैक। सो बिकॉज इट्स रिलेटेड विद सेल वॉल्यूम। तो जब तक हम पैंडेमिक के टनल से बाहर नहीं निकलते, तब तक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आपको मौका है दो चीजों का। नंबर वन, जितना इनोवेट कर सकते हैं करते रहिए, और नंबर टू, कस्टमर ट्रस्ट को बनाते रहिए। बस ज्यादा कमाने की बात सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस पीरियड में, लेकिन कस्टमर ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और नेटवर्किंग जितनी कर सकते करिए, ताकि जब हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो आपके पास में रेडी मार्केट होगा। आई थिंक दिस इज व्हाट। तो थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू, सिंस यू आर इनटू इनोवेशन मार्केट, आपका मार्केट ही इनोवेशन का है, आपको तो नई चीजें, नॉवेल्टी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू कॉन्सेप्ट लाके देनी होती है। आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर यू टू थिंक ऑफ दोज न्यू थिंग्स दैट कैन कम आउट। तो जब नॉर्मल होगा तब आपके पास में नई नई चीजें क्या आएंगी, आई थिंक दिस वुड बी टाइम फॉर दैट। यस, तो भूपेन जी के लिए ही नहीं बाकी सबके लिए जवाब है कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस एंड we have to innovate. That's the and the basic thing is कि हमको हमारे customers का, client का trust बनाए रखना होगा। ये तो कुछ समय में निकल जाएगा, 6 महीने, साल भर, जो भी है, but thereafter also we need to do business with them. तो उनका trust हमें बना के रखना होगा। That is a takeaway which I get from this answer. और कुछ सवाल आए हैं? Thank you Rahul sir and thank you Ritesh bhaiya. Yes. करुण हैज अ वैलिड क्वेश्चन। ये सवाल सभी ट्रेडर के दिमाग में होता है, ऑनलाइन ट्रेड वर्सेस लोकल ट्रेड, और इसका जवाब अभी किसी के पास में भी नहीं है, बट आई थिंक रावल जी वुड लाइक टू ऐड ऑन इट। यस, मैं देना चाहूंगा जवाब शायद हम में से कुछ लोगों को हर्ट भी होगा और बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या होने वाला है। पहली बात तो हम चाहे लाख समझा ले लोगों को कि आप लोकल खरीदिए, ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये स्लोगन के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि लोकल खरीदिए, लोकल मार्केट को खरीदिए, और इसमें कोई शक नहीं कि लोकल मार्केट ने जो साथ दिया इस पैंडेमिक में, किसी ने साथ नहीं दिया। आपके पड़ोस की किराने की दुकान की इज्जत आपके दिमाग में इतनी बढ़ गई होगी इस वक्त में कि जो शायद आप उसे इग्नोर करते थे हमेशा, आपको मॉल में जाना अच्छा लगता था, लोकल ने साथ दिया, लोकल ने रिस्क लिया, लोकल ने जान पर खेला, लोकल ने इमरजेंसी में भी, पैंडेमिक में भी, वायरस के बीच में भी आपका साथ दिया, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, एज अ रैशनल एनिमल इंसान क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका फर्नीचर की शॉप है, उन्होंने उनके पास में कल एक कस्टमर था, उनको इंक्वायरी थी, कहने लगा कि एक पर्टिकुलर चेयर कितने की, उन्होंने कहा वो 5,000 की है, तो कहने लगा कि ऑनलाइन मेरे को 3,500 की मिल रही है, मैं 5,000 की आपसे क्यों खरीदूं। उन्होंने कहा लोकल खरीदना है, तो कहने ये बात सेंटिमेंटल है खाली, मैं मुझे जो सस्ता मिल रहा है मैं वो खरीदूंगा। तो ये हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आप में से जो लोग या हम में से जो लोग, मैं बहुत एडवोकेट हूँ लोकल का, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे भी जब कुछ खरीदने जाएंगे या आपके फैमिली मेंबर्स भी कुछ खरीदने जाएंगे, जो चीज़ अमेजोन में 3,000 की मिल रही है और नागपुर के मार्केट में 4,500 की मिल रहे हैं, आप अमेजोन से ही खरीदोगे क्योंकि आपका पैसा बच रहा है। सो दिस इज वन थिंग वेरी क्लियर, आई मीन लोकल आप तब खरीदेंगे जब आपको रेट प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं है या लोकल में बेहतर है। लोकल में अगर कम है तो शायद आप डेफिनेटली खरीदेंगे, लेकिन लोकल का रेट भी 3,000 है और ऑनलाइन का रेट भी 3,000 है, तो आप सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए उसे खरीद सकते हैं। लेकिन लोकल का रेट 3,000 होगा और ऑनलाइन का 3,200 रुपए होगा या 150 होगा, तो भी आप उससे खरीदने वाले, आई एम सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, तो 100-150 रुपए का भी फर्क होगा तो भी आप वहां से खरीदने वाले हैं। इसलिए हमें ऐसी यूएसपी डेवलप करनी होगी लोकल को जो ऑनलाइन वालों के पास नहीं है। हमें ऐसी सर्विसेज देनी होगी कस्टमर को, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि जिसकी वैल्यू 150 रुपए की वैल्यू से ज्यादा है। आप मुझसे खरीदिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा दुकानदार हूँ, या आपने लोकल खरीदना चाहिए। मैं एक मैंने अपनी बेटी के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था गीता मंदिर के पास एक दुकान से, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान है, तो उनको मैंने कहा कि आपका रेट 7,000 रुपए है लेकिन ऑनलाइन तो 6,500 का मिल रहा है। तो उन्होंने सीधा ये कहा, उनके पास गोडाउन की जरूरत नहीं है, स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं है। मतलब एज अ कस्टमर मुझे क्या जरूरत है ये समझने की कि उनके पास गोडाउन है या नहीं है, मुझे तो सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बोलने के बजाय कि आप लोकल खरीदिए ताकि लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैरिटी को भूल जाइए।
आप ऐसा वैल्यू एडिशन करिए अपनी सर्विस में, या फिर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करिए, आपका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए ताकि उस ब्रांडिंग का एडवांटेज आप ले सकें, या फिर ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि जो ऑनलाइन वाले के पास नहीं मिल रहा है तब आप अपना अपना प्राइस ले सकते हैं, या फिर आपकी सर्विसेज ऐसी हो जो ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते हैं, या फिर आप कुछ एडिशनल दे रहे हैं उसको जो वो नहीं दे पा रहा है। आई थिंक यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट। ये ओपन कॉम्पिटिशन का जमाना है, इसमें सेंटिमेंट थोड़े दिन के लिए काम करेंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज माय टेक ऑन दैट। सो हमको रावल जी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर दीपाली मंदना है, शी इज अ डेंटिस्ट। उन्होंने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है, सर व्हाट अबाउट द फियर ऑफ डेंटिस्ट हु आर डीलिंग डायरेक्टली एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द पेशेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही सवाल है। नॉट ओनली डेंटिस्ट, आई सर्जन, बाबर, ब्यूटिशियन और ऐसे डेंटिस्ट को तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेंटिस्ट को तो सलाइवा डायरेक्टली शिफ्ट टच हो सकता है उसको। सो आई थिंक अंडर द न्यू नॉर्मल द न्यू एसओपीज वुड एमर्ज, विल हैव टू एमर्ज, हेल्थ केयर के नए आयाम स्थापित करने होंगे, न्यू यू नो विल हैव टू कम आउट विद न्यू स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ केयर की जो कंसेप्ट थी वो टोटली बदल रही है, बदलनी होगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। सो आई थिंक द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन इन प्रोफेशंस लाइक डेंटिस्ट्री इज गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर, because of the hygiene standard that the doctor will have to follow, because of safety measure that doctor will have to follow to save herself from catching the virus from the patient. So I think this has an effect of increasing the cost of it, but I think because of this pandemic you will be saving yourself of lots of other contagious diseases that could have happened to you perhaps. So I think new normal mein nuksan hoga, lekin long term mein aapki health ke liye wo acha hai. Yes, SOPs are going to change, no doubt. आपने बहुत सही कहा सर। Thank you, sir. Yes, thank you, दीपाली. In fact, अभी हम we have seen the aviation industry has opened up, flights शुरू होगी, but even there the SOP has completely gone changed now. So हर industry के लिए ये होगा. Thank you, दीपाली. I think your question has been answered properly. Sir, I have one more query. Because of all the new precautions and hygiene procedures that have been practicing in the dental thing. The cost of the procedures have really hyped a lot because of the availability of the material. The supply is very less. The cost of the material is actually tripled, or it's literally four times than it was used to be earlier. So how to deal with this, and how do we expect the patients to right. pay that much? Right. How to convince them? Right. So I'll talk about it for the short term and as well as for the long term. In the short term, this is going to be a lacuna. This is going to be a big bottleneck because of the supply chain disruption, basically. Because the supply chain is completely disrupted, material is not reaching to you, and you have to be extra cautious. You have to spend a lot of money on your own safety. So, in short term, mein toh bahut major difference disruption hai. Short term is going to be may not be cost effective for doctor at this point in time, and the patient is not used to the new normal, so the patient may not shell out more fees than what he was paying earlier. So, it's going to be slightly a challenging situation for the doctors in the short run, but in the long run when the normal resumes it becomes a standard thing. Everybody has to undergo the same thing. Every doctor has to take the same precaution. Every doctor has to incur those overheads. So it becomes a new normal for everybody. Jab har kisi ko same cost karni hai, so the market has to pay, the market has to bear with it. I mean, problem tab aata hai ki jab aap naya kuch karna cha rahe hain aur dusra koi nahi kar raha ho, so you cannot force that on the patient. It's a competitive market out there everywhere in every industry. So jab har kisi ko karna hoga, it has an effect of increasing the cost of medical care. So jo main keh raha tha ki medical care ki cost badh rahi, so it is linked to the health insurance that we are talking about. It is linked to the fact that the government also has to come out and spend more money on health care. So I think they all get connected here. So in the long run, it's the government spending on health care so that those who cannot afford will have to to rely on those hospitals would be there. Healthcare through insurance would be an important aspect for us to consider, and finally the increased cost, which ultimately is going to be passed on to the consumer, to the patient, is the new normal. Yes, thank you very much, Rawal ji. I think now we should stop. It's already a lot thank of time you, we have spared on question answers. I would request now Shreya ji, hamari jo director hai Sampark ki, Shreya Nath ki, for a formal vote of thanks so that we can conclude the event. Over to you, Shreya ji.
श्रेया आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। श्रेया जी इज देयर विद अस? कुछ शायद उनको टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। श्रेया जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, अभी उनका माइक अनम्यूट हुआ क्या? माइक अनम्यूट हुआ फिर म्यूट हो गया। रितेश जी आप वोट ऑफ थैंक्स से एंड कर देंगे? यस नो इश्यू। सो ठीक है, श्रेया जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स इट्स वॉट वॉज अ वंडरफुल सेशन टूडे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वी शुड डिस्कस ऑन द चैलेंजेस विच वी फेस विच वी वुड फेस पोस्ट कोविड एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग टू अस। सो दोनों चीज को रावल जी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया एंड द बेस्ट पार्ट ही हैज नॉट गॉन विथ एनी प्रेजेंटेशन। ही वॉज सो स्पॉन्टेनियस, like we were just talking to each other. It was an interactive session, so we have really it was a value addition session for all of us from the bottom of our heart and from our association. We would really like to thank Dr. T.S. Rawal sir for this wonderful initiative he has taken up for joining us being a faculty and has motivated and guided all of us through this tough time. Or I'm also thankful to all the participants. Almost 50 participants were there today, hearing to listening to him. So I thank each one of you for sparing time on Sunday morning. I hope there would be a lot of value addition for all of you. Ek nayi soch aap sabko mili hongi taki hum jab when we go back, we bounce back strongly and we come out of this tough time very soon. So thank you all for a very patient listening. I think that's all from our side. Kailash ji, that's all. I think we would conclude this deliberation. Chat box mein aur koi message to nahi hai. All are really thanking Rawal ji for a wonderful session. Shreya ji, I think she was facing some technical issue, but now she has posted it in the chat box. It was a wonderful session. So thank you, Rawal ji. We would really, we are thankful to you. Aur aage bhi samay lagega to hum aapko pareshan karenge and we would like to get back to you again for any guidance and motivation. Thank you. मैं बताना चाहूंगा कि लॉग आउट कैसे करना है। आपके फोन या लैपटॉप पे तीन बटन दिखते हैं, माइक, एक रेड कलर का उल्टा फोन वाला। तो जो रेड कलर का उल्टा फोन वाला है उसको क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। यस यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय, गुड बाय। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल द वंडरफुल कमेंट्स दैट यू गिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।